देसी शराब थोड़ी सस्ती होंगी है, वो ग्रैविटी कोई नहीं होंगी, अजक मिथैल ना की स्पिरिट पी है जिदे करके वो बहुत बॉडी को नुकसानदायक है। असी ता भी जागरूक करना चाहते हाँ कि कुछ दिन पहला हरियाणे के दोबारा ये इंसीडेंट घटिया तो काफ़ी जड़िया की डैथ हुई आ। जो आप देसी शराब पीने वो डिग्री कोई नहीं होंगी आ, उसकी क्वालिटी कोई नहीं होंगी आ, अपल तो शराब पीनी ही माड़ी गल है। सत श्री अकाल जी सारे नूं, जय हिंद जी। मैं तुहाडा एक्साइज इंस्पैक्टर बटाला दीपक कुमार हाँ जी। मेरी पोस्टिंग एज बटाला एक्साइज इंस्पैक्टर आ। साडे मानयोग डीसी एक्साइज जलंधर रेंज, साडे मानयोग असिस्टेंट कमिश्नर एक्साइज श्री राहुल भाटिया जी गुरदासपुर रेंज, साडे ईओ साहब इंद्रबीर सिंह रंधावा जी, तो मैं दीपक कुमार। साडे सारे डिपार्टमेंट वालों मैं तुहानूं रिक्वेस्ट करन ही आया वहां। तुहानूं पता होना कि कुछ चेर पहला बटाले दे विच एक इंसीडेंट घटी सी जिहदे विच हाथी गेट तरन तारन बटाले जी काफ़ी कैजुअलिटीज होई ही देसी शराब करके। देसी शराब थोड़ी सस्ती होंदी आ, उहदी ग्रैविटी कोई नहीं होंदी, अजकल उहदे विच मिथैल नां दी स्पिरिट पैंदी है जिहदे करके वह बहुत बॉडी नूं नुकसानदायक आ। वह शराब नाल ऑर्गनस फेल होंदे आ, ईवन ह्यूमन कैजुअलिटीज डैथ भी होंदी आ और काफ़ी डैथ होई भी आ। असी ता भी जागरूक करना चाहते हाँ कि कुछ दिन पहला हरियाणे के दोबारा ये इंसीडेंट घटिया तो काफ़ी जड़िया की डैथ हुई आ। मेरा मकसद ये तुहानू जागरूक करन दा कि ह्यूमन लाइफ जो इंसान इंसान की जिंदगी है बहुत ही कीमती है, ये कोई किसी नू खरीद के नहीं दे सकता, कोई कितों खरीद नहीं सकता, इहदे विच सानू अपना आप बचा करना पैना वा। जिहड़ा आपां देसी शराब पीने आ उहदी डिग्री कोई नहीं होंदी आ, उहदी क्वालिटी कोई नहीं होंदी आ, अपल ते शराब पीनी ही माड़ी गल है, पर चलो जे फिर भी कोई पींदा है ते उहदी इच्छा आ। मेरी बेनती यह है कि जे फिर भी कोई पींदा है ते ओह सरकार सुधा ठेके तो खरीदे ताकि तुहानूं पता होए तुसीं कीहड़ी कंपनी की पी रहे हो, उहदी डिग्री किन्नी आ। जिहड़ी देसी रूड़ी मार्का वा इहदे च मिथाइल स्पिरिट नां दी एक स्पिरिट पैंदी आ, अजकल गुड़ वाला काम ही ऑलमोस्ट मुक गया, वैसे वह भी बिल्कुल गैर कानूनी आ। अजकल की करते हैं पानी से स्पिरिट मिलाते हैं, उन्हों कहते देसी बन गई है जी, स्मैल आ रही है, वह आप लोग कहने सस्ती आ, 200 की बोतल मिल गई पी ले। जय हिंद जी, सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। मैं दीपक कुमार एक्साइज इंस्पैक्टर बटाला, साढ़े गुरदासपुर रेंज के असिस्टेंट कमिश्नर श्री राहुल भाटिया जी, साढ़े एक्साइज ऑफिसर साहब सरदार इंद्रबीर सिंह रंधावा जी और साढ़ा एक्साइज डिपार्टमेंट। तुहानूं पता होना कि कुछ साल पहला बटाले दे विच पंजाब स्टेट के कई शहरों के एक ट्रैजेडी हुई थी जिहदे च जिहनूं कहिंदे आ रूड़ी मार पीण करके काफ़ी लोगों की जान माल का नुकसान होया, काफ़ी लोगों के ऑर्गनस फेल होए, ब्लाइंड होए, लिवर खराब होए, किडनी खराब होए। इहनूं लैके एक अवेयरनैस सरकार चला रही आ। हुण रीसेंटली थोड़े दिन पहला हरियाणे दे विच ये सेम कैजुअलिटी हुई आ जिहदे करके कुछ मौतां होईआं। इहनूं मद्देनज़र रख के साडा डिपार्टमेंट आप राही लोगों नूं अपील करना चाहुंदा है कि रूड़ी मार्का पींदे आ उहनां दी डिग्री कोई नहीं हुंदी आ जी, उहनां दी क्वालिटी कोई नहीं हुंदी आ, डिग्री कोई नहीं हुंदी आ, वह मिथाइल स्पिरिट नां दी एक अल्कोहल नाल वह मिक्स करके पानी नूं डायरैक्ट शराब बना लेंदे आ। क्योंकि ये वेचते इलिसिट लीकर इहदा रेट थोड़ा सस्ता हुंदा है, लोग इहनू सस्ता करके पी लेंदे आ, है ना। और पर लोगों नूं ये नहीं पता कि इहदे नाल बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो ह्यूमन लाइफ आ ये लाइफ तो वेखो जी अनमोल आ, सारिआं नूं पता है, और इहदे नाल बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मेरी आप राय ये बेनती है कि काइंडली बिल्कुल ही आपां अवेयर होइए, इहनू यूज़ ना करिए, और जो कोई यूज़ करता है साडा डिस्ट्रिक्ट पुलिस बड़ी एक्टिव है, SSP साहब के मतहत बहुत स्ट्रिक्टनेस है, सर्च चल रही है, हर पासे रेड हो रही है। साडा एक्साइज डिपार्टमेंट, साडे AC एक्साइज साहब, साडे EO साहब के रहनुमाई हेठ साडे भी कंटिन्यू सर्च हो रही है, रेड्स चलती पई आ। तुसी आप राही मैं ये बेनती करना कि तुसी साडा साथ दो, पंजाब सरकार का साथ दो, ताकि आपां ये त्रासदी गां ना हो सके, आपां इहनूं बंद करिए, इहनूं रोक लईए। इस करके ये जागरूक कैंप लाया जा रहा है अवेयरनैस वास्ते, जिदा स्लम एरियाज़ 'च जा रहे हैं आपां, पिंडां दे विच जा रहे हैं, जिहड़े प्रोन्स एरिया वा जिथे ये ट्रैजेडी हुई आ उत्थे लाउड स्पीकर भी चला रहे हैं आपां, लोगों नूं अवेयर करन वास्ते पैम्फलेट्स भी वंड रहे हैं, अपने नंबर भी दे रहे एक्साइज डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के, ताकि जे कोई
ਇਹੋ ਅਨਸਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇੰਡਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਈਏ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲਾਈਏ ਆ ਜੀ ਠੇਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਹ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਲੀਟਰ ਆ, ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਮਾਪਦੰਡ, ਇਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਸਪਿਰਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮਿਥਾਈਲ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਡੇਂਜਰਸ ਆ। ਤੋ ਮੇਰੀ ਬਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਦਾ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਮੇਰੀ ਬਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਜੀ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਏਰੀਆ ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਗੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿੰਡ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਾਮਪੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਖਤੀਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਸਨਪੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੈਂਪ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰਸ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ETO ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਏਰੀਆ 'ਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਹਾਰਮਫੁੱਲ ਆ। ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕ ਕੈਂਪ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੀ 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 ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ, ਪੈਂਫਲੇਟ ਛਾਪੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਨੰਬਰ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਅਨਸਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟੀਮੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ।